पंद्रह देखिए कह रहा है उस बड़े से बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन को काट कर बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक किनारा अट्ठाईस सेंटीमीटर तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बताया है इस टाइप का एक आपके पास घन है घन को इस तरह से काट कर बनाया जाता है जिससे बड़ा से बड़ा शंकु बन सके तो उसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकाल हमने पिछले क्वेश्चन में यह बात कर लिया था ठीक है इसका दिया है अट्ठाइस सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा अट्ठाईस सेंटीमीटर अट्ठाईस सेंटीमीटर ठीक है तो जितना इसका ऊंचाई होगा उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का सॉरी उसी भुजा का इसका व्यास होना चाहिए इसकी जितनी भुजा की लंबाई होगी उतना इसके व्यास की भी लंबाई होनी चाहिए ठीक है तभी ना आप बड़ा से बड़ा आप को बना पाओगे चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं लेकिन चलिए दोबारा से मैं आ गया है तो बता ही देता हूँ इसकी ऊंचाई इसके ऊंचाई यानी कि इसके भुजा के बराबर होगी लेकिन अभी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका व्यास इसके एक भुजा के बराबर होगा तभी ना बड़ा से बड़ा शंकु बन पाएगा चलिए तो यानी कि इसकी त्रिजा इसकी ब्यास इसके भुजा की आधी हो जाएगी यानी 14 हो जाएगा ठीक है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बड़ा से बड़ा से बड़ा बड़ा से बड़ा शंकु बनाने के लिए शंकु बनाने के लिए शंकु बनाने के लिए शंकु बनाने के लिए क्या करना होगा तो वर्ग के सॉरी वर्ग करें घन के घन के घन के भुजा के बराबर भुजा के बराबर घन के भुजा के बराबर शंकु की शंकु की ऊंचाई ऊंचाई और और आधार की त्रिज्या होगी आधार की त्रिज्या होगी आधार की त्रिज्या होगी ठीक है समझ गया ना चलिए समझ गए तो आधार का ब्यास होगा सॉरी आधार का ब्यास होगा ठीक है भुजा के बराबर आधार का ब्यास होगा चलिए तो ब्यास होगा तो त्रिज्या निकल जाएगा यहां से शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, यानी कि आर क्या हो जाएगा आपका अट्ठाईस बट्टा दो इसके भुजा का आधा होगा काट दीजिए चौदह यानी कि आर बराबर में चौदह सेंटीमीटर अच्छा शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई कितनी होगी तो शंकु का ऊंचाई अट्ठाईस सेंटीमीटर होगा एच लिख लेते हैं इसको तो शंकु का आयतन निकालना है ना जी शंकु का आयतन शंकु का आयतन शंकु का, का आयतन क्या हो जाएगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच चलिए सभी वैलुओं को रखते हैं यहाँ पर तो एक बट्टा तीन गुना में पाई की जगह बाईस बट्टा सात आर कितना है चौदह गुना चौदह और एच का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर ये ना हो जाएगा चलिए यहाँ से सात से इसको काट देते हैं सात गुना चौदह अब गुना करते हैं इसमें चलिए तो कितना आ जाएगा गुना करेंगे ऊपर बाईस दुना चौवाली चौवालीस में चौदह से फिर अट्ठाईस से करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सत्रह हजार दो सौ अड़तालीस बटा में तीन सेंटीमीटर क्यों पूर्णांक तोड़ दो तो आ जाएगा पाँच सात चार नौ पूर्णांक एक बटा तीन सेंटीमीटर क्यू ये आपका आंसर हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को यहीं पे इंड कर देता हूँ ठीक है आप नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को देखने के लिए और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना आपको सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और प्लीज वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में एनसीआरटी भारती भवन केसी सिन्हा सबका लिंक मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग